हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये वाला तोरण डिज़ाइन बनाना दिखाऊंगी, कैसे बनाया हमने। तो ये तोरण पट्टी का वीडियो हमने डाला हुआ है हमारे चैनल पे। इसमें हमने 17 चेन ली थी, इस पर 15 डबल क्रोशिया बनाए हैं। फर्स्ट राउंड सिंपल बनाया, उसके बाद सेकंड राउंड में हमने पफ डाला एक, थर्ड में दो डाले, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, छः और फिर 7, यहाँ तक डाला। फिर एक सिंपल डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद नेक्स्ट पे पफ शुरू करेंगे नेक्स्ट से। तो इस तरह से हमें ये डिज़ाइन बनाना है, अलग अलग कलर में हमने बनाया है। तो ये आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये रोज़ फ्लावर हमने पहले वीडियो बना के डाला हुआ है रोज़ का, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब आज मैं ये वाला पार्ट बना के दिखाऊँगी आप लोगों को, ये हमने कैसे बनाया है। तो इसके लिए हमें एक रोज़ फ्लावर चाहिए, ये हमने रोज़ फ्लावर बना के स्टिच करके रखा हुआ है। ग्रीन से स्टार्ट करेंगे इसे। ये बैक साइड में हमने इसे स्टिच किया हुआ है, यहाँ पर हम लीफ लगाएंगे। थ्री थ्री पैटर्न बनाएंगे हम, दो थ्री चेन लेंगे। डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। थ्री टाइम ट्रिपल क्रोशिया, रोज फ्लावर का वीडियो हमने दो तीन बार बना के डाला हुआ है, दो तीन बार हमने बताया हुआ है, तो आप वहाँ से ज़रूर देखिए। ये हम जो स्टिच कर रखा है उसमें जहाँ पर एडजस्ट हो रहा है वहाँ पे हम एडजस्ट हो जाए वहाँ पर हम डाल सकते हैं, जिससे खींचा हुआ भी ना लगे और ख़राब भी ना हो। इस तरह से डाल लेना है। ये थ्री थ्री के दो बना लिए हमने, अब हमें फोर चेन लेनी है, चार चेन ले लेंगे। वापस ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर डालेंगे जहाँ पर ये एडजस्ट हो जाए अच्छे से, क्योंकि हमारा स्टिच किया हुआ फूल है। ट्रिपल क्रोशिया लेंगे इसमें, फूल में ही हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, बाकी हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। दो चेन लेंगे, ये लीफ हमारे हाफ फूल तक आ जाएंगे लगभग। इस तरह से हमें थ्री थ्री टाइम बना लेनी है। अब यहाँ पर हमारे ग्रीन ऊन हम हटा देंगे, अब हमें ग्रीन ऊन की और आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये देखिए इस तरह से स्टिच कर। अब हम वाइट ऊन स्टार्ट करेंगे इसके, और बीच में हम येलो कलर लगाएंगे। तो वाइट ऊन यहीं से स्टार्ट करेंगे हम।
थ्री चैन ले लेंगे। इसमें अब हम आगे डबल क्रोशिया ही बनाएंगे पूरे में। थ्री टाइम बनाएंगे, फिर दो चेन लेनी है, फिर थ्री टाइम बनाना है। एक चेन लेंगे यहाँ। अब हम यहाँ से येलो कलर स्टार्ट करेंगे। इसको पीछे रखेंगे, पीछे की साइड छोड़ देंगे। येलो कलर का भी हम फोर टाइम बनाएंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग हम फोर टाइम से करेंगे। एक चेन, उसके बाद हम वाइट कलर वापस ले आएंगे एक चेन के बाद। एक चेन वाइट के लेंगे और यहाँ पर इनके बीच में ये जो हमने दो चेन ले रखी हैं यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे थ्री टाइम। उसके बाद चेन दो, फिर थ्री टाइम। टर्न करेंगे और अब हम यहाँ तक स्लिप स्टिच लेंगे। यहाँ तक दो चेन तक। अब थ्री चेन डबल क्रोशिया, थ्री हो गए हमारा, एक चेन दो डबल क्रोशिया। तो अब दो चेन ले लेंगे, अब वापस डबल क्रोशिया थ्री टाइम। एक चेन, अब हमें वापस येलो कलर लेना है। तो येलो कलर के लिए हम एक चेन लेंगे पहले। अब येलो कलर यहाँ डाल लेंगे पहले, ये जो बीच में गैप रह गया इसमें डाल लेंगे। थोड़ा टाइट रखेंगे, ऐसे टाइट करके फिर डालेंगे। अभी नेक्स्ट में डालेंगे। वाइट वाला टाइट करेंगे तो ये दिखेगा नहीं यहाँ पर। पीछे हमने ये थोड़ा हमें वाइट लूज रखना है, खींचे ही नहीं रहे ये। हमने पहले येलो के चार लिए थे, अब हमारे छह हो जाएंगे। दो साइड में मिलेंगे और एक चार बीच के लेंगे, तो ये हमारे छह हो जाएंगे टोटल। यहाँ ले लेंगे,
एक चेन, इसे छोड़ देंगे, वाइट ले लेंगे, वाइट को हम बैक साइड में रखेंगे, येलो कलर भी बैक में ही रहेगा, जो कलर छोड़ेंगे हम, जो धागा बैक साइड में ही छोड़ेंगे सारे। एक चेन लेके यहाँ डाल लेंगे, दो चेन, डन करेंगे, वही स्लिप स्टिच करेंगे बीच तक। थ्री चेन, थ्री टाइम, थ्री हो गए हमारे, एक चेन थे, दो हमने बना लिए, दो चेन, अब वापस थ्री टाइम, एक चेन, अब हम येलो कलर लगाएंगे बीच में, तो येलो कलर के लिए हमें वाइट को हम बैक में ही रखेंगे, और ये जो गैप रह जाता है हमारा हर बार, उसमें डालने हैं, एक बार पहले हम इसी में डालेंगे, इस वाले गैप में वाइट कलर को टाइट कर लेंगे जिससे दिखे नहीं, और अब हम ये पूरे क्रॉस करेंगे और फिर इसमें डाल लेंगे। तो इस तरह से हमें 6 राउंड बनाने हैं टोटल, उसके बाद फिर चेंज करेंगे, तो 6 राउंड बना लेंगे इस तरह से हम कंटिन्यू। ये हमारे 3 राउंड हैं, 3 और बनाएंगे फिर इसके बाद। कंटिन्यू ऐसे ही, तो ये देखिए हमने 6 राउंड पूरे कर लिए, 1 2 3 4 5 6, ये 7th राउंड शुरू कर दिया। एक चेन ले ली है, अब येलो कलर लेंगे, अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इन 2 राउंड में, ताकि ये वाला साइज हमारा बराबर हो जाए, उसके लिए हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। एक चेन येलो की टाइट कर लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया ले लेंगे, और पहले इस वाले में ही डाल लेंगे इधर, दो राउंड ट्रिपल क्रोशिया के बनाएंगे, 7th और 8th राउंड, 6 राउंड हमने डबल क्रोशिया में बनाए हैं। ये देखिए, ये इसका लेवल फिर हमारा बराबर सा हो जाएगा ट्रिपल क्रोशिया बनाने से। तो ये 2 राउंड हम ट्रिपल क्रोशिया के बना लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने ट्रिपल क्रोशिया 2 राउंड ले लिए, ये 7th और 8th राउंड है हमारा। अब हमें वाइट ले लेना है, वो लूज रखना है, ये खिंचा है नहीं, ये देखिए ये खिंच रहा है,
तो इसको लूज कर लेंगे फिर ये ठीक हो जाएगा। इतना लूज रखें कम से कम, फिर हमें ये आगे बनाना है। इसके बाद हमें कंप्लीट हो जाएगा तो स्टिच कर लेंगे, इसको टाइट कर देंगे येलो को। दो चेन हो गई, 3 टाइम और डबल क्रोशिया। तो ये देखिए ये पेटल हमारी बन के तैयार है। इसी तरह से हम एक पेटल और बना लेंगे, 4 पेटल लगाएंगे हम इस पे, एक्स्ट्रा धागे निकाल देंगे सारे। ये थोड़ा सा एक उंगली का गैप है तो यहाँ भी ऐसे ही नाप के और छोड़ देंगे। इसी तरह से हम एक पेटल और बना लेंगे। तो ये अब हम इसको स्टिच करेंगे, यहाँ पर एक उंगली के बराबर छोड़ के बराबर बराबर गैप रखेंगे। ये आप चाहे तो क्रोशिया से भी स्टिच कर सकते हैं, क्रोशिया से भी स्टिच हो जाता है, ये हम यहाँ पे सुई से कर रहे हैं। बिल्कुल किनारे किनारे सिलने हैं हमें, लेकिन अच्छे से सिल लें ताकि निकले नहीं। तो ये देखिए इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। ये हमने एक पेटल और बनाई है सेम ऐसे ही, तो एक उंगली का गैप लेके इसे भी हम स्टिच कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से हमें ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा तोरण बन के तैयार है। इस तरह से हम तोरण बना लेंगे। और आप हमारे रोज़ फ्लावर और तोरण पट्टी बनाने के लिए हमारे वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो और हमारा तोरण का डिज़ाइन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।